हाँ जी, अभी हमने बात की थी कि नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में भी वो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। स्टार्टिंग में ही बताया था, जब नोट्स करा रहे थे स्टार्टिंग में बताया था कि एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। किनका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट्स डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मैन्योर। मैन्योर कैसे बनता है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्रॉप प्रोडक्शन में ही डिकम्पोज होता है सारा वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट होता है वो भी डिकम्पोज होता है, प्लांट वेस्ट होता है वो भी, पील ऑफ वेजिटेबल्स, पील ऑफ फ्रूट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमारे ऑर्गेनिक होते हैं वो सब कुछ मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक वेस्ट इंटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इट डिग्रेड्स द हार्मफुल सब्सटेंस एंड क्लीन्स अप द एनवायरनमेंट। मतलब उतने हानिकारक, उतने हार्मफुल वो फिर नहीं रहते सब्सटेंस, उनको वो हार्मफुल सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देते हैं, और जो मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी इतने हार्मफुल नहीं होते उनमें कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेल्प हार्मफुल होते हैं हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरह से हार्मफुल हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए। पढ़ लेते हैं, देखो पहले समझ लो, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, डिसीज हो गई, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या करेंगे, क्यों हुई डिसीज़, क्योंकि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया जो हमें हार्म कर रहा है वो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, अगर कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर ऐसा आ गया है, ठीक है, तो वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें हार्म कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी वजह से हमें डिसीज़ हो गई है। डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक्स देगा वो हमें, तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दवाइयाँ, जो मेडिसिन होती है, वो क्या होता है कि वो जब उनकी जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं एंटीबायोटिक के, तो वे डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है और कौन सा हार्मफुल है, तो वो सबको मारना स्टार्ट कर देती है, जितने भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है, अच्छे भी और बेकार भी, जो डिसीजेज कॉज करते हैं उनको भी मार देते हैं, और जो डिसीजेज कॉज नहीं करते उनको भी मार देते हैं, जो एंटीबायोटिक के बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं जब हम मेडिसिन लेते हैं या फिर इंसुलिन लगाते हैं डॉक्टर। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे अंदर जो एंटीबायोटिक के बैक्टीरियाज हमारे अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं, हम उनको थ्रू मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे कि जो हमारे अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको भी मारना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से अच्छे बैक्टीरिया हैं और कौन से हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो देखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब में हो सकते हैं, इंसानों में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस, सच डिसीजेस कॉजिंग पाइथोजींस, क्या कहते हैं, जो डिसीजेस होती हैं इस तरह से उनको, वो पाइथोजींस के वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैसे फूड को खराब कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को खराब कर देते हैं, क्लोथिंग को खराब कर देते हैं। देखो लेदर की, तुमने देखा होगा कि अगर लेदर के क्लोथ को हम ऐसे ही पैक करके रख देंगे तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें इंसर्ट हो गए हैं और अब वो उसको हार्म कर रहे हैं क्लोथ को। ठीक है, लेदर के क्लोथ को, फूड क्लोथिंग एंड लेदर आर स्पॉइल्ड ड्यू टू सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारा नुकसान कर रहे हो वो क्या हमारे लिए हेल्पफुल है, नहीं है, हार्मफुल है, हेल्पफुल कैसे होंगे। ठीक है, समझ में आया, ओके, आगे करते हैं, बाकी आगे चलते हैं, इनको करो, है ना, आगे करेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होता है। देखो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, इट अफेक्ट्स ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स, कंटेमिनेटेड जिसमें कुछ ना कुछ कुछ डर्टी चीज़ है जो हमें हार्म कर रही है हमारे ऑर्गन्स को, अंदर से क्या कर रही है, हार्म कर रही है हमारे ऑर्गन्स को, इज कॉल्ड
कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स। माइक्रो देखो दोबारा पढ़ लेते हैं, इट अकर्स ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो कुछ ना कुछ हमारे लिए हार्मफुल है उस फूड प्रोडक्ट के अंदर, उसकी वजह से हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, सीरियस इलनेस क्या हो सकता है फूड पॉइजनिंग से, बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो जाती है, पानी की, कहते हैं ना डॉक्टर्स की पानी की कमी हो जाती है ना, पानी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज वगैरह लगाना पड़ता है, तो सीरियस इलनेस हो जाती है, और इवन डेथ में कॉज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, और कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जान भी चली जाती है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजन होने से क्या होता है, जान भी चली जाती है, अगर किसी की हम केयर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो इट कैन बी मेकोस ड्यू टू फूड पॉइजन, मतलब इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। आगे करते हैं इसका, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस और कैसे होती है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, ये सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखो सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ह्यूमन बींग्स में जो डिजीजेस होती है कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, ये सब हम समझेंगे। ओके, कर लेते हैं। ह्यूमन डिजीज क्या है, ट्यूबरुलोसिस, ये चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब है। अब ये फैलती है हमारे बैक्टीरिया से, और ये मैसेजेस फैलती है वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से फैलती है, पोलियो वायरस से फैलती है। कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, एयर से फैलती है, बैक्टीरिया एयर में आता है तो फैलती है हमारी। ठीक है, मैसेजेस फैलती है वायरस से जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, चिकन पॉक्स भी एयर से और कॉन्टैक्ट से फैलती है। देखो चिकन पॉक्स लाइफ में सिर्फ एक बार होती है, लेकिन अगर तुम किसी के कॉन्टैक्ट में आओगे जिसको ये डिसीज ऑलरेडी हो रखी है तो तुम्हें भी उसी टाइम पीरियड में ये डिसीज हो सकती है। ठीक है, इसको बाद में पढ़ते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि इन चारों का एक ही है ये प्रिकॉशंस। ठीक है, तो पोलियो भी कैसे फैलती है, वायरस से, एयर से और वाटर से। प्रिकॉशन देख लेते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि पेशेंट को ऐसे रूम में रखो जिस जहाँ पे आना जाना कम हो, मतलब बहुत कम लोग उसके संपर्क में, उसके कॉन्टैक्ट में बहुत कम लोग आए, ताकि वो उस डिजीज से उनको ना हो वो डिजीज जो उस बंदे को रखी है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम अदर्स, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है मीन्स तौलिया हो गया, टॉवल हो गया उसका, जो बर्तन हो गए पानी पीने के, ठीक है, सोप वगैरह, जो ब्रश हो गया, तो वो सबसे अलग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कोलेरा, बैक्टीरिया से होता है, वाटर और फूड से हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का भी एक ही है ये प्रिकॉशंस। फिर टाइफाइड कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये भी अगेन वाटर से होता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, गुड सैनिटाइज हैबिट सच को अच्छी होनी चाहिए कि भाई जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करो, किसी से मिलो तो, मतलब अगर हम उससे जो हम इल है, ठीक है, जिसको डिसीज हो रखी है उससे उसकी कॉन्टैक्ट में आए तो हमें अच्छे से अपने को सैनिटाइज करना होता है। ठीक है, कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड, और उसको कच्चा खाना नहीं देना चाहिए, हमेशा पूरा प्रॉपर कुक्ड फूड ही देना चाहिए, रो उसको नहीं देना चाहिए कुछ भी। नेक्स्ट आते हैं हेपेटाइटिस बी, क्या होता है, वायरस से होता है, वाटर से होता है, तो इसमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें पानी उबला हुआ पीना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी होती है भाई, जो डिजीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो किस में होती है, एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, पहले एनिमल्स की पढ़ लेते हैं। एंथ्रोक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज, देखो ह्यूमन में भी हो सकती है और कैटल मतलब मवेशियों में, ठीक है, जो हमारे पालतू पशु होते हैं, कैटल्स बफेलोस वगैरह होती है, उसमें हो जाती है डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, किससे होती है, बैक्टीरियम से होती है। नेक्स्ट आते हैं फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस, वायरस से क्या होता है, फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है। ठीक है, क्या होता है उनके फुट और माउथ पर इफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी होती है,
डिसीजेस इन प्लांट्स रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप की जो उपज है, जो क्रॉप उग रही है वो अच्छे से फर्टिलाइज हो रही है, मतलब उपज जो हो रही है यील्ड अच्छा कर रही है, अच्छी उपज दे रही है हमें, तो वो क्या हो जाती है उसकी कम हो जाती है। और इसके एग्जांपल जैसे कि सिट्रस कैंकर कॉज बाय बैक्टीरिया रस्टिंग ऑफ वीट बाय फंगी अटैक, फंगी अटैक रहता है वीट पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स में जाते हैं, उनको भी हार्म करते हैं, प्लांट्स को भी हार्म करते हैं, एनिमल्स को भी हार्म करते हैं और ह्यूमन बींग्स को भी हार्म करते हैं, ठीक है।